जिस बार हम अपने ससुराल आए हुए हैं छठ में, हमारे ससुर जी, आपको पता है हमारे ससुर जी है ये। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? अभी अभी सोकर के उठे हैं और हम आए हुए हैं अपने ससुराल। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, तो ससुराल इस बार इसलिए आए हैं कि कुछ कारण है कि हमारे घर में इस बार छठ नहीं हो पाएगा, तो माँ के हिस्से का जो सूप है हमारे ही ससुराल में उठाया जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर आ गए हैं। और आगे वह क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे घर में छठ नहीं हो पाएगा, बताते हैं आपको। भाग गए सुबह सुबह पतिदेव, क्या कर रहे हैं? ब्रश कर रहे हैं। और सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ करते हैं। देखो ये आंवला का पेड़, इसमें पूजा होती है। हाँ छाली, चूड़ा और चीनी, घर का मलाई है ना। जी अभी हम आए हुए हैं गंगा घाट के पास और यहीं पर छठ की तैयारी चल रही है। जो भी अपना घाट बना सकते हैं अपना अपना जगह बना रहे हैं, तो हम लोग भी अपना घाट देखने जा रहे हैं कि हमारा घाट कहां पर बना है, तो आप लोग को भी दिखाते हैं। तो बताना अपना घाट कौन सा है शिवम? ये वाला है। अभी सजा कहाँ है रे? कल सजेगा। तो यही है हमारा घाट और इसकी सजावट भी होगी, उसके बाद भी आप लोग को दिखाएंगे। तो कौन सा जाने आ रहा है? सब आएंगे। इस बार हम अपने ससुराल आए हुए हैं छठ में, लोग का सवाल यह भी होगा कि आपकी माँ तो खुद छठ करती है, तो आप यहाँ पर क्यों आ गए? तो जी हुआ ये कि हमारे एक रिलेटिव का डेथ हो गया है, तो हमारे यहाँ इस बार सूप नहीं उठेगा। माँ व्रत में तो रहेगी, लेकिन जो छठ का एक पूरा प्रोसेस होता है वह सब नहीं हो पाएगा। तो माँ ने अपने हिस्से का सूप जो है यहाँ पर दे दिया है, तो यहीं पर पूजा होगी और यहाँ से हम प्रसाद लेकर के घर जाएंगे। आपको इधर का किनारा दिखाते हैं। मछली नहीं दिखता था पहले, ऐसे दिखता था। मछली भी दिखता था पहले, तब ऐसे दिखता था। अरे कोई नहीं, सीजन नहीं होगा। यह है आर्यन, यह हमारे ससुर जी, आपको पता है हमारे ससुर जी है ये। अब ससुर जी शर्मा रहे, आइए ससुर जी इधर ही। इधर आगे 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 नहीं आना है, यही ठीक है। नट्टे ससुर जी। तो बताओ आज क्या है? खरना। आज खरना है, फिर खरना में क्या क्या होता है बताओ? खरना में पूजा होता है, प्रसाद चढ़ता है। हम अपने ससुर जी से सोच रहे हैं कुछ क्या होता है नहीं पता है। अच्छा पिछले साल क्या हुआ था कुछ मालूम है? प्रसाद सब बना था, पूजा हुआ था, पूजा हुआ था। प्रसाद में क्या सब बना था? खीर बना, खीर रसिया। अच्छा पूरी है। तब कैसा लगा था प्रसाद खाने में? बहुत अच्छा लगा था। आप भी टेस्ट कीजिएगा। हाँ तो आज हम भी टेस्ट करेंगे और देखते हैं कैसा बनता है। यहाँ पर जिया जो है मिट्टी को तोड़ रही है। मिट्टी को तोड़ कर जो हमारा पूजा का पिंड है वह मिट्टी का है, तो उसकी पुताई करनी थी, तो जिया कर रही है। ये देखिए जी, हो गया तैयार हमारा पूजा का पिंड। बच्चा बन गया। हम लोग घाट देखने गए थे। कहाँ बर्तन चुरा के भाग रही है? बर्तन धो के आ रहे, पानी भाग गया, चापाकल से धो कर के आए। नहीं हाँ तब कटिहार से मंगवाए का है नौकरानी को? आज तुरंत पगार कट हो जाएगा, बढ़िया से काम करो, तुरंत पगार कट हो जाएगा।
और जी यहाँ पे देखिए मिट्टी का चूल्हा बनाया गया है, इसी पे आज खरना है ना, तो खरना का प्रसाद जो भी बनेगा सब इसी पे बनेगा। और जी ये देखिए चूल्हे को जला दिया गया है और दूध जो आया है सब उसको छाँक करके उबाला जाएगा, उसके बाद खीर और रसिया बनेगा। यहाँ जो आपको दो बर्तन दिख रहा है, एक बर्तन में जी यहाँ पर खीर बनेगा और दूसरे बर्तन में रसिया। जिनको भी रसिया समझ में नहीं आया उनको बता दूँ कि रसिया होता है गुड़ वाला खीर जी, इसमें गुड़ डाला जाता है। अगले दिन था छठ, तो उसके लिए भी कुछ खरीदारी करनी थी, तो सोचा कि पहले ही थोड़ा सामान खरीद लिया जाए, नहीं तो छठ के दिन जो है कुछ ज़्यादा सामान खरीदना रहा तो हड़बड़ी जैसा हो जाएगा। तो अभी तसल्ली से हम लोग सामान भी खरीद सकते हैं। हमें तो जिया लेकर के गई नहीं, जिया खुद चली गई मार्केट। आप बीमार थे इस वजह से सोचे कि आप थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि कल से तो फिर आप बिजी भी रहोगे। मम्मी वो ले ले। फिर जी हम फल लेने के बाद आ गए साड़ी की दुकान पे, जो मेरी मम्मा छठ करती है उनके लिए साड़ी लेना था, जो कि हम पहले नहीं ले पाए थे तो आज ही लेना था। बहुत सारी शॉपिंग करनी थी तो हम सोचे ये भी कर ही लेते हैं, फिर कैसे आएंगे दोबारा, क्योंकि घर में भी अभी छठ का टाइम चल रहा है तो बहुत सारा काम रहता है, तो इस वजह से हम सोचे अभी ले के ही जाना है। तो मम्मी हमको दिखा रही है ये ले, हमें तो समझ नहीं है उतनी साड़ी की, तो मम्मी बोलती तुमको खुद समझ आ रहा है, तुम हमको बोल रही ये ले लो, बोले अपने से तो पसंद करके ले लो। फिर मम्मी अपने से पसंद करके ले रही हैं। और जी ये देखिए हो गई हमारी पूरी शॉपिंग, और फिर हम लोग घर निकल गए, और इतना ज़्यादा सामान हो गया था कि हम लोग को टोटो करना पड़ गया। गए थे तो हम लोग बाइक से, लेकिन वापस आए टोटो से। और जी जब हम मार्केट से आए तो यहाँ देखिए प्रसाद की लगभग तैयारी हो चुकी थी, यहाँ पे रसिया बन रहा है और रोटी, हमारे यहाँ पूजा में रसिया खीर और रोटी चढ़ता है। यहाँ पे देखिए हमारा पूरा प्रसाद बनकर तैयार हो गया है। जब प्रसाद बन गया तो फिर पूजा की भी तैयारी हो गई है, पूजा अब स्टार्ट ही होगा। यहाँ पे देखिए मामा पूजा कर रही है। और जी यहाँ पे जो हमारा दीप होता है पूजा के लिए वो तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे रुई यूज नहीं किया जाता है, आज के दिन रुई छुआ भी नहीं जाता है, जो पूजा करती है कॉटन कपड़े का बाती बनाया गया है। पूजा के खत्म होने के बाद एक अर्घ दिया जाता है, जो कि देखिए यहाँ पर दूध और पानी से हम यहाँ अर्घ दे रहे हैं, और जो व्रती हैं उनका पैर छूकर के आशीर्वाद लिया जाता है। भैया हाँ चल कहाँ, हमने जी बोलो ना ये बेइज्जत करवाए थे।